ये सबसे पहले बच्चे को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी हावन हो तो होनी चाहिए अवेयरनेस। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख लें कि हमको ये कहते हैं कि यार बाकी अगर फैमिली में कोई बंदा इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, स्टडी करेंगे, इससे हमारे मुल्क की भी बेहतरी है और माशरे की भी बेहतरी है। आई होप कि हम सब मिलके चेंज लेकर आए अपनी सोसाइटी में और बेहतर से बेहतर बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों के नाम? नईम अहमद। नबील अहमद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस फील्ड में किस तरह आ गए? मैं तो इस फील्ड में तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 6-7 सालों से हूं। अच्छा, माशाल्लाह। और इधर मैं पहले इनका ना कंप्यूटर लैब का सारा काम करता था और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कैंपस इनके सिक्योरिटी मैनेजमेंट इनके लैब का और जितने भी इनकी मैनेजमेंट होती है वो सारे मेरे अंडर। ठीक है, आप जब इस में आए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चेंज है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन जाना चाहिए, वो चेंज आना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है, लाजमी? मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि इस एरिया में ना बैकवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग तो क्वालिफाइड इतने परसेंट नहीं है, इनको एक तो अच्छी स्टडी की वजह से पेरेंट्स को ये डर होता है कि हमारी बेटियाँ पता नहीं वो वहाँ पर सेफ हैं कि नहीं है, बॉयज़ को इकट्ठे तो नहीं है, ऐसे हम नए कैंपस है ना ये सेपरेट है, बॉयज़ अलग है और गर्ल्स अलग है, उस हवाले से ये सेफ भी है और फ़ी के हवाले से भी हमने इसको बड़ा ही वो बाकी कॉलेज की नस्बत ना बहुत ही लो रखा हुआ है। तो मैं तो इससे यही कहूँगा कि अगर तो हमने कोशिश खुद करनी चाहिए कि बाहर भी निकलें, हम भी निकलते हैं तो ताकि कॉलेज में आप बच्चों को लेकर आएँ, हमारी स्टडी करेंगे, इससे हमारे मुल्क की भी बेहतरी है और माशरे की भी बेहतरी है। आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दोस्तों ने किया। अच्छा जी, मतलब घर से नहीं बल्कि घर में भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों से मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है ये बात सच है कि आपकी सोहबत का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है। ये तो 100% सच है। आपको आपके फ्यूचर के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई होप कि हम सब मिल के चेंज लेकर आए अपनी सोसाइटी में और बेहतर से बेहतर बने। आपसे भी मैं एक सवाल पहले यही पूछूंगी कि जो आपका इतने अरसे से एक्सपीरियंस है, आपने पहले पढ़ाई की और फिर आपने नौकरी की और अभी आप माशाल्लाह बड़े अच्छे रैंक में हैं, आप ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी है ज़िंदगी से या इस सारे एक्सपीरियंस? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी CV और यहाँ पर जो डेमो वगैरह दिया तो उस एजुकेशन का मैंने इतना फ़ायदा उठाया है कि मैंने जो बच्चों को नॉलेज दिया है, कॉलेज के लिए काम किया है, इंस्टीट्यूट लेके काम किया है, तो इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने बच्चों को नॉलेज सिखाने के साथ एक चीज़ सिखाई है कि बेटा आप लोगों ने अगर मुआशरे में रहना है, किसी से बात करनी है तहजीब के साथ, इख्लाक के साथ अगर किसी से बात करें तो इस तरीके ये होता है तरीके का पढ़े लिखे का और अनपढ़ में, हमने ये चीज़ें फ़र्क कर, क्योंकि हमारा ये मुआशरा है ही ऐसा कि इनको ये सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा आपने बड़ों से कैसे बात करनी, छोटे से कैसे बात करनी। और बाकी जो है इस फीडबैक है एरिया के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पहले के नस्बत ये लो परसेंटेज में थे, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल से अप हो गए, अच्छा बराबर में आ गई, ऐसा कोई फीडबैक नहीं है कि जो किसी इंस्टीट्यूट के हवाले से या किसी टीचर के हवाले से स्टूडेंट के हवाले से कोई फीडबैक इतना बुरा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है ये कॉलेज के हवाले से। चले माशाल्लाह। अच्छा, आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिली? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरे बाप ने सपोर्ट किया। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसने जितना पैसा मेरी पढ़ाई के पीछे लगाया है और जितना उसने मुझे सपोर्ट किया है, जो मेरे सारे खर्चे दिए सारे मैं शुक्र अदा करता हूँ दिल से और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपनी लाइफ को सेटल करना, आप लोगों को देखना कि आने वाले वक्त में आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, ये ना हो कि आप अगर आप लाइफ के साथ पढ़ाई में चलते जा रहे लेकिन आपका टारगेट कुछ नहीं है, अगर आपने टारगेट कुछ नहीं बनाया लाइफ के अंदर तो वो जाहिर सी बात है पढ़ाई फिर आपकी किसी काम की नहीं, कितनी डिग्रियां कर लेंगे जब तक आप अपनी कोई स्किल नहीं सीखेंगे या कुछ अपने फ्यूचर का बनाएंगे नहीं तो आप जीरो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह आप भी कोशिश करते रहिएगा कि और बच्चों को ज़्यादा अच्छे अच्छे रास्ते पर चलाते रहें, सब मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी अच्छी होगी। जी, ये भी बड़ा अच्छा है कि आपको काम वाली जगह पे अच्छी सोहबत मिल जाए, वो भी बड़ी नेमत होती है। कॉलेज में मुझे अगर किसी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया तो ये मेरे। चले, ये क्रेडिट भी आपको जा रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका पूरा नाम? अब्दुल सत्तार अब्बासी।
अच्छा, और आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बेसिकली अकाउंट्स टीचर में, हेड ऑफ जो कॉमर्स है उसका इंचार्ज में हूं। ठीक है, अच्छा, तालिब इल्म में आप जो आजकल स्टूडेंट्स को नोट कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आनी चाहिए? देखिए जी, आजकल आपको पता है कंप्यूटर का जो दौर है सारा, आगे भी इंशाल्लाह ताला 20 साल जो है हमारे कंप्यूटर भी आएंगे, क्योंकि अभी तक जितना सिलेबस हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी तो हमारे पास हार्ड कॉपीज में होता है, बुक्स के अंदर होता है, लेकिन अब नया हमारा जो नई क्लासेस चल रही हैं हमारी ADB की, वो टोटली ऑनलाइन काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अच्छे इकदाम भी किए हुए हैं और इसी चीज़ को लेकर आगे कॉलेज इंतजामिया भी लेके चल रही है। कंप्यूटर एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी वेतन इंतजाम जो चल रहा है, और यही सबसे पॉजिटिव एक जो है एक्सपेक्ट है इसका, कि यार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है तालीम दे रहे हैं, उसी में आगे स्कोप है इंशाल्लाह ताला इनका। और हमारा तो बेसिकली अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स भी आपको पता सारा उसका अकाउंट ज़्यादा हुआ है, तो यही बेहतर है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाए कंप्यूटर को। अच्छा, बच्चों में आप क्या कहते हैं किस चीज़ की बेहतरी आनी चाहिए, उनके किरदार में या उनकी मेहनत में या उनके जज्बे में, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी थोड़ी कमी अब आपको नज़र आती है या नहीं नज़र आती कुछ? बेसिकली एक तो बच्चे का जो आगे सब्जेक्ट उसे जो चूज़ करने होते हैं ना बच्चों को, अक्सर बच्चों को उनकी मोटिवेशन ही कोई नहीं दे रहा होता, जिन क्लासेज में आगे वो पढ़ के आ रहे हैं उनके टीचर उनको सही तरीके से मोटिवेट नहीं करते हैं उनको कि जी आपने किस लाइन में जाना चाहिए। ये सबसे पहले बच्चे को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी हावन होनी चाहिए, अवेयरनेस। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख लें कि हमको ये कहते हैं कि यार बाकी अगर फैमिली में कोई बंदा इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता। आगे बच्चों को कम से कम ये अपनी फील्ड चूज करके आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा जो है ना उसका रिजल्ट बिल्कुल वो ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा फल निकल आएगा। अच्छा, आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदैन का सबसे अहम किरदार है, और उसके बाद मेरे टीचर्स का, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जगह पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 16 ईयर्स मुझे हो गए टीचिंग लाइन के अंदर, और मैं एज अ कॉमर्स टीचर ही काम कर रहा हूँ, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और वालदैन की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हैं हम। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो चेंज लाना चाह रहे हैं तालिबे इल्म की ज़िंदगी में वो भी होता रहे। तो बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का, थैंक यू।